अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होपफुली ऑल ऑफ़ यू विल बी फाइन। बेटा आज हम स्टडी करेंगे अबाउट जनरलाइज क्लोज न्यूटन कोट्स फार्मूला। ये जनरल फार्मूला है और इससे हम फिर फर्दर डिडक्शंस कर सकते हैं, यानी जितने भी इसमें फिर रूल्स हैं, सिम्पसन 1/3 है, ट्रेपेज़ॉइडल है, सिम्पसन 3/8 है, वो सारे के सारे रूल हम एक इस जनरल फार्मूला से डिराइव कर सकते हैं। अब जैसे इसमें यहाँ पे क्वेश्चन में भी मेंशन है कि हम इसको यूज़ कर सकते हैं 2 to 7 points इंटीग्रेशन रूल्स को फाइंड आउट करने के लिए। अब सबसे पहले हम डेटा पॉइंट सपोज करते हैं कि n+1 डेटा पॉइंट्स हैं आपके पास और वो इस तरह से रेंज हैं कि x नॉट सबसे छोटा है और x n सबसे बड़ा है और इक्वली स्पेस्ड हैं। तो फिर जैसे लास्ट टाइम वी डिफाइंड के आपके पास क्या था कि हमने h की वैल्यू डिफाइन की थी कि h की वैल्यू क्या होती है कि h इज इक्वल टू xj माइनस 1। और इन द सेम वे h एक और तरह से भी हम डिफाइन कर सकते हैं कि h क्या होता है, h इज इक्वल टू b-a/n। इसी तरह xj फिर क्या बनेगा, किसी भी कोई भी पॉइंट अगर हम डिफाइन करना चाहें वो क्या होगा कि सबसे इनिशियल वैल्यू और उसमें जितने स्टेप जे आपने जितने नंबर ऑफ स्टेप्स हैं और फिर एच जो स्टेप स्टेप साइज है वो ऐड करेंगे तो आपके पास एक्स जे की वैल्यू आएगी। अब हमने बेसिकली हमारा मोटिव क्या है कि हमारा मोटिव ये है कि हम एक जनरल क्वाड्रेचर फार्मूला डेवलप करना चाह रहे हैं और वो ताकि वो जनरल हो और उसमें सारी चीज़ें हम अब देखें। सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं, फॉर एग्जांपल एक्स जीरो से एक्स एन हमारे पास डेटा पॉइंट्स हैं और उस पर हमने फंक्शन को इंटीग्रेट करना है। अब इस फंक्शन को बेसिकली हम क्या करते हैं, फॉरवर्ड डिफरेंस के फॉर्म में डिफाइन कर लेते हैं कि फॉरवर्ड डिफरेंस क्या है। यहाँ पर फॉरवर्ड डिफरेंस के फॉर्म में हमने जो इंटरपोलेशन में फार्मूला पढ़ा था फॉरवर्ड डिफरेंस का, हम वो यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो लाइक यूजिंग फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला, n+1 डाटा इक्विस्पेस डाटा पॉइंट्स जो फार्मूला था वो हम यूज़ करेंगे और ये आपके पास उसकी जनरल नोटेशन होगी ये वाली। अब इसमें देखें कि अल्फ़ा यूज़ हो रहा है। अब अल्फ़ा यहाँ पे क्या है कि अल्फ़ा डिफाइंड है कि एक्स माइनस एक्स नोड ओवर एच, जैसे हमने डिफाइन किया दिस इज़ द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा और अल्फ़ा जीरो से एन के दरमियान वेरी कर रहा है। अब अल्फ़ा की वैल्यू से हम फिर फर्दर इसको यहाँ पे, लेकिन देखें यहाँ पे सारी जगहों पे अल्फ़ा इन्वॉल्व हो रहा है लेकिन यहाँ पे डी एक्स है, तो फिर हम सारी की सारी टर्म्स को पहले अल्फ़ा के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं डिफरेंशियल को भी और उसके बाद फिर इसको इंटीग्रेट किया जा सकता है। अब अल्फ़ा के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे कि सबसे पहले देखें कि यहाँ पे इंटीग्रल में लिमिट्स क्या हैं। ये एक्स जीरो से एक्स एन है तो लिमिट्स भी कन्वर्ट होंगी और एट द एंड डिफरेंशियल भी कन्वर्ट होगा। तो लिमिट्स कन्वर्ट होंगी तो जब एक्स इज इक्वल टू एक्स जीरो था तो अब आपको पता है कि एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस अल्फा एच, तो अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पे जीरो आ जाएगी जब हम एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट पुट करेंगे। तो इसी तरह जब एक्स इज इक्वल टू एक्स एन पुट करेंगे तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या आएगी, ये उस साइड पर चला जाएगा एक्स एन माइनस एक्स जीरो ओवर एच। तो एक्स एन माइनस एक्स जीरो क्या होता है, एन एच की होता है, तो ये बेसिकली एन आ जाएगा, यानी लिमिट्स आपके पास जीरो से लेकर एन तक बन गया। और आपको पता है एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस अल्फा एच होता है, तो यहाँ से अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डिफ्रेंशिएट करने के बाद डी एक्स यहाँ पे डी एक्स बन जाएगा और ये वैसे जीरो हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू एच डी अल्फा। तो डी एक्स किस से रिप्लेस हो जाएगा, एच डी अल्फा से। इसमें रिप्लेस करें, आफ्टर रिप्लेसमेंट आपके पास बन गया ये जीरो से एन इंटीग्रल और ये सारी टर्म और एच एट द एंड डी एक्स की जगह पे आ गया एच डी अल्फा, जो यहाँ पे ये वाला हमने इंट्रोड्यूस करवाया था। अब आफ्टर इंटीग्रेशन आपके पास ये वाली टर्म बन जाएगी, यहाँ पे ये इंटीग्रल जीरो से एन और एंड पे एच डी अल्फा ये मिस्टेकनली लिखा गया है, ये जस्ट आपके पास यहाँ पे लिमिट आएगी जीरो से लेकर एन तक और ये आफ्टर इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू अल्फा आपके पास ये टर्म बन गई। अब ये वाली टर्म में आपको पता है कि इसकी लिमिट्स क्या हैं, जीरो से लेकर एन तक इसकी लिमिट्स हैं। तो अब लिमिट्स क्या करेंगे, लिमिट सारी यानी जीरो से लेकर एन पुट करेंगे, एन पुट करेंगे तो वो जहाँ जहाँ पे अल्फ़ा है वहाँ वहाँ पे एन आ जाएगा, और अगर हम जीरो पुट करेंगे तो वो फिर हर जगह पे अल्फ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो टर्म्स जीरो हो जाएंगी वैसे। तो जस्ट हम अगर उसको लिमिट्स को पुट करें सिंप्लीफाई करें तो आपके पास
ये टर्म बनगी। और आफ्टर पुटिंग द लिमिट्स एंड इंटीग्रेशन, अब ये टर्म बेसिकली क्या है, ये वाली सारी की सारी टर्म है, इसको हम कहते हैं कि ये आपके पास जनरल क्वाड्रेचर फार्मूला है। अब इस जनरल क्वाड्रेचर फार्मूला से हम सारी की सारी यानी सारे जो फार्मूलाज हैं वो रिड्यूस कर सकते हैं। अब वो किस तरह से कर सकते हैं कि सबसे पहले हम देखें कि फॉर एग्जांपल अगर अगर आप यहाँ पे आपके पास जस्ट एक सब इंटरवल हो यानी एन की वैल्यू वन हो तो फिर आपके पास टोटल कितने नोड्स बनेंगे। एक एन इज इक्वल यानी एक इंटरवल हो तो इनिशियल पॉइंट और लास्ट वाला पॉइंट, तो दो नोड्स बनेंगे। तो बाकी आप तो इससे फिर क्या करेंगे कि अगर दो नोड्स बने तो आप सेकेंड और हायर ऑर्डर जितने भी फॉरवर्ड डिफरेंसेस हैं कि वो सारे के सारे ये वाली जनरल फार्मूला में से स्किप कर दें, तो बाकी जो आपके पास बचेगा यानी सेकेंड और हायर ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंसेस, सेकेंड ऑर्डर ये वाला है और इस तरह थर्ड ऑर्डर ये वाला है, इस तरह से सब बाकी जितने भी सारे सेकेंड ऑर्डर और से हाईएस्ट डेरिवेटिव जो फॉरवर्ड डिफरेंस की पावर हैं वो सारी की सारी हम यहाँ से स्किप कर देंगे, तो आपके पास जस्ट ये वाला फार्मूला बचेगा। तो आपके पास जस्ट ये फार्मूला बच गया, इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो दिस इज इक्वल टू फॉरवर्ड डिफरेंस डेल्टा एफ नॉट की वैल्यू यहाँ पे पुट करें, इसको सॉल्व करें तो यू विल हैव दिस वैल्यू, और इसको आप क्या कहते हैं, दिस इज ट्रेपेज़ॉइडल रूल। अब इसी तरह अगर हम एन की वैल्यू टू रखें इसी फार्मूला में, फॉर एग्जाम्पल वही फार्मूला है उसमें आप एन की वैल्यू टू रख लें और एन की वैल्यू टू रखेंगे तो आपके पास यानी दो इंटरवल्स बनेंगे, तो दो इंटरवल्स बनेंगे तो इट मीन्स टू आपके पास तीन पॉइंट्स आएंगे, तो फिर आप तीन पॉइंट्स आएंगे तो थर्ड तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, थर्ड और उससे हायर ऑर्डर जितने भी फॉरवर्ड डिफरेंसेस हैं वो सारे के सारे जीरो बन जाएंगे। तो फिर आप जस्ट सेकंड ऑर्डर तक आप इसको कंसीडर करें एन एफ जीरो प्लस एन स्क्वायर बाय टू डेल्टा एफ नॉट और इसी तरह डेल्टा स्क्वायर एफ नॉट तक, तो डेल्टा एफ नॉट और डेल्टा स्क्वायर एफ नॉट की वैल्यू यहाँ पे पुट करें, इसको सिंप्लीफाई करें, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यू विल हैव दिस h by 3 f0 plus 4 f1 plus f2, ये आपके पास क्या है, ये जनरल फार्मूला है फॉर सिम्पसन 1 by 3 रूल। अगर इन द सेम वे अगर आप n की वैल्यू 3 रखते हैं, n की वैल्यू 3 के लिए आपके पास 4 नोड्स बनेंगे, तो आप फोर्थ ऑर्डर और से हायर ऑर्डर डिफरेंसेस फॉरवर्ड डिफरेंसेस हैं उनको आप निगलेक्ट कर दें, या इन अदर वर्ड्स के दैट विल ऑटोमेटिकली बिकम जीरो। आप जस्ट फॉरवर्ड डिफरेंस की यहाँ पे डेल एफ नॉट की डेल स्क्वायर एफ नॉट ये सारी वैल्यूज पुट करें, इसको सिंप्लीफाई करें, यू विल हैव दिस फार्मूला 3h/8 एफ नॉट प्लस 3f1 प्लस f2 प्लस f3, ये इसको आप कहते हैं दिस इज सिम्पसन 3/8 फार्मूला। इन द सेम वे अगर आप n की वैल्यू 4 रखेंगे तो n की वैल्यू 4 रखेंगे तो आपके पास 5 नोड्स बन जाएंगे, 5 नोड्स बनेंगे तो आप 5th ऑर्डर या उससे हायर ऑर्डर के जितने भी फॉरवर्ड डिफरेंसेस हैं वो आप यहाँ पे ऑटोमेटिकली ज़ीरो हो जाएंगे, आप उनको निगलेक्ट कर देंगे। तो वो जनरल फार्मूला में वैल्यू पुट करें और उससे आपके पास ये टर्म आ जाएगी, उसको फॉरवर्ड डिफरेंस की वैल्यूज पुट करें, सिंप्लीफाई करें एंड यू विल हैव दिस फार्मूला 2h/45 7f3f0 प्लस 32f1 प्लस 12f2 प्लस 32f3 प्लस 7f4, ये आपके पास फार्मूला बन गया, इसको आप कहते हैं बूल्स रूल। और इन द सेम वे अगर आप यहाँ पे n की वैल्यू 5 कंसीडर करेंगे तो यू विल हैव 6 नोड्स, 6 नोड्स के बाद आप क्या करेंगे कि यहाँ पे 6th ऑर्डर या उससे हायर ऑर्डर डिफरेंसेस को हम जीरो कर देंगे, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यू विल हैव दिस फार्मूला 5h/288 और इसको आप क्या कहते हैं, इसको आप कहते हैं 6 पॉइंट रूल। इन द सेम वे अगर आप n की वैल्यू 6 कंसीडर करेंगे, n की वैल्यू 6 अगर आप रखेंगे तो आपके पास कितने नोड्स बनेंगे, 7 नोड्स बनेंगे, तो आप 7th ऑर्डर या उससे हायर ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस को जीरो कर देंगे और फिर उसी को सिंप्लीफाई करेंगे फार्मूला को, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यू विल हैव दिस आंसर h/140 41f0 प्लस 216f1 प्लस, ये सारी टर्म बन जाएगी और इसको आप वेडर रूल का नाम देते हैं। अब फर्दर हम इसमें देखते हैं कुछ एग्जांपल्स के, हम ये वाले जो फार्मूलाज हैं इनको एग्जांपल्स में किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है कि फाइंड एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ फॉलोइंग इंटीग्रल और इसमें स्टेप साइज आपको गिवन है कि h इज इक्वल टू 0.2 और तो आपने सिम्पसन 3/8 रूल से और कंपोजिट 6 पॉइंट रूल से आपने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है।
तो जस्ट आप फार्मूला में देखें, जो भी फार्मूलाज हैं उनमें क्या क्या वैल्यूज यूज हो रही हैं, आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप वैल्यूज नहीं फाइंड आउट कर लें। तो फॉर एग्जांपल जो अगर हम सिम्पसन 3/8 रूल देखें तो उसमें क्या है, लेट्स मूव टू सिम्पसन 3/8 रूल। ये आपके पास जनरल फार्मूला है, 3h/8 f0 + 3 × f1 + f2 + f3, यानी फंक्शन की वैल्यू 0 पे और फर्स्ट पॉइंट पे, सेकंड पे और थर्ड पे आपको चाहिए 3/8 रूल में। तो आप बेसिकली क्या, और 6 पॉइंट रूल में क्या कर चाहिए, f0 से लेकर f5 तक आपको, यानी आपकी आपको फंक्शन की वैल्यूज का पता होना चाहिए। तो आप जस्ट उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये वाला फंक्शन आपको गिवन है, फंक्शन की वैल्यूज आप पॉइंट्स को उस तरह से डिवाइड करेंगे, यानी h इज इक्वल टू 0.2 के लिहाज से और 0 और 3 के दरमियान। अगर आप चाहते हैं कि यानी 6 पॉइंट्स में डिवाइड करना है तो फिर सॉरी पहले अगर आप 4 पॉइंट्स में डिवाइड करेंगे तो फिर वो उसमें 3/8 रूल अप्लाई हो जाएगा, इस तरह 6 में अगर करेंगे तो वहाँ पे वेडर रूल सॉरी 6 पॉइंट फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पे चूंकि बेसिकली कंपोजिट रूल अप्लाई हो रहा है, तो कंपोजिट रूल में हम क्या करते हैं कि उस कंपोजिट रूल की वैल्यू लिखेंगे, और उसमें फॉर एग्जांपल ये फार्मूला है, इसमें जो जो वैल्यू जिस जिन पॉइंट पे चाहिए वो वैल्यूज आप लिखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। तो यानी उस पॉइंट पे बेसिकली आपने फंक्शन की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, ये वाला जो फंक्शन गिवन है वो फार्मूला में पुट कर देंगे, यू विल हैव द आंसर। अब इसमें जो सारे के सारे फार्मूलाज हैं वो देख लेते हैं एक दफा कि वो क्या क्या हैं या किस किस फॉर्म में यूज होते हैं, सो दैट के अब फॉर एग्जांपल रेक्टेंगुलर रूल जो सिंपल सबसे बेसिक है उसके लिए आपके पास ये फार्मूला होता है, इसी तरह ट्रेपोजाइडल रूल, और ये सारे के सारे फार्मूलाज किस तरह से हैं कि एंड डेटा पॉइंट्स की फॉर्म है। अब इसी तरह ट्रेपोजाइडल रूल है, उसका ये फार्मूला है इंटीग्रेशन का, इसी तरह सिम्पसन 1/3 रूल का ये जन फार्मूला है। अब यहाँ पे हर साथ साथ फिर चीज़ें मेंशन है कि फॉर एग्जाम्पल ये थर्ड कॉलम में आपके पास गिवन है कि रिक्वायर्ड नंबर ऑफ फंक्शन वैल्यू, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ फंक्शन वैल्यूज है, फंक्शन वैल्यूज कितनी होनी चाहिए, या इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल उसमें कितने डिग्री की इन्वॉल्व है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है। लाइक ट्रेपोजाइडल रूल है, उसमें 2 फंक्शन वैल्यूज हमें चाहिए, इसी तरह सिम्पसन 1/3 रूल में 3, और इसी तरह 3/8 रूल में 4, और पोलिनोमियल्स भी यहाँ पे मेंशन है कि पोलिनोमियल कौन सी यूज होगी। तो ये सारे के सारे यू कैन से के जनरल फार्मूलाज आपने मेंशन किए हुए हैं, ये बूर रूल का, इसी तरह 6 पॉइंट रूल, और इसी तरह वेडर रूल का फार्मूला यहाँ पे गिवन है, यू विल हैव टू रिमेम्बर दिस। अब इसी तरह अगर हम कंपोजिट की फॉर्म में देखें कि कंपोजिट फार्मूलाज इनमें क्या किस तरह से हैं, तो सबसे पहले फॉर एग्जांपल यानी सबसे पहले कंपोजिट रेक्टेंगुलर रूल क्या है कि वो इस तरह से स्टार्टिंग पॉइंट रूल, उसमें भी 3 फर्दर ये हमने, और इसी तरह कंपोजिट ट्रेपोजाइडल रूल उसकी जनरल वैल्यू ये है, कंपोजिट सिम्पसन 1/3 रूल की जनरल वैल्यू ये है, इसी तरह कंपोजिट सिम्पसन 3/8 रूल की जनरल वैल्यू, इसी तरह कंपोजिट बूल्स रूल्स, और सिमिलरली 6 पॉइंट फार्मूला और वेडर रूल, सबकी ये जनरल फार्मूलेशंस आपके पास यहाँ पे गिवन है। अब इनको फॉर एग्जांपल क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप यूज कर सकते हैं। अब ये जो सारे के सारे मेथड्स हमने पढ़े हैं, इन सारे के सारे मेथड्स में आपने, चूंकि ये सारे न्यूमेरिकल मेथड हैं, तो न्यूमेरिकल मेथड्स हैं तो इनकी कैलकुलेशन में कोई ना कोई एरर भी लाजमी तौर पे आता है। तो हम उस एरर को अप्रोक्सीमेट करने के लिए क्या करेंगे, या उसके लिए कौन से फार्मूला यूज़ करेंगे। अब उस एरर को डिराइव करने के डिफरेंट फार्मूला, डिफरेंट मेथड्स हैं, तो हम यहाँ पे टेलर सीरीज का मेथड यूज करेंगे कि आप टेलर सीरीज एक्सपेंशन के थ्रू किस तरह से एरर को कैलकुलेट कर सकते हैं। टेलर सीरीज अप्रोक्सीमेशन के लिए आप, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने
सबसे पहले कंपोजिट ट्रिपोजाइडल रूल का एरर अगर आपने कैलकुलेट करना है तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले कि उसका जनरल फार्मूला लिखेंगे। ये आपके पास कंपोजिट ट्रेपोजाइडल रूल का जनरल फार्मूला है। अब इसमें देखें कि जनरल फार्मूला में यहाँ पे F0 है और यहाँ पे F1 है, और आपको पता है कि F1 किसके इक्वल होता है, F1 इज इक्वल टू F ऑफ X0 प्लस H। यानी फर्स्ट पॉइंट के बाद जो स्टेप साइज है उसमें ऐड करेंगे तो फिर आपके पास F1 की वैल्यू आएगी। अब आप ये वाली जो वैल्यू है इसको आप टेलर सीरीज एक्सपेंशन से एक्सपेंड करें। टेलर सीरीज एक्सपेंशन के थ्रू एक्सपेंड करने से आपके पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी इस फंक्शन के लिए। अब और इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो यू विल हैव एच ऑफ एच बाई टू एफ जीरो प्लस एफ वन विल बी इक्वल टू दिस टर्म। अब इसी तरह अगर आप, ये तो था हम सिम ट्रेपोजाइडल रूल की फॉर्म में देख रहे थे, अगर आप वैसे सिंपल इंटीग्रल एक्स जीरो से एक्स वन तक लें तो उसकी वैल्यू क्या होती है। अब उसमें हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि कैपिटल एफ ओ एफ डैश ऑफ एक्स किसके इक्वल है, स्मॉल एफ ऑफ एक्स के। तो आप ये कंसिडर करें और उसके बाद देखें कि इंटीग्रल करेंगे तो कैपिटल एफ ऑफ एक्स के फॉर्म में आ जाएगा। तो इसमें लिमिट्स पुट करेंगे तो कैपिटल एफ ऑफ एक्स वन माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट। अब यहाँ पे भी देखें एफ ऑफ एक्स वन है तो एफ ऑफ एक्स वन कैपिटल एफ ऑफ एक्स वन किसके इक्वल होता है, कैपिटल एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एच। अब ये वाला जो पॉइंट है इसको आप एक्सपेंड करें यूजिंग टेलर सीरीज। यूजिंग टेलर सीरीज आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो आपके पास यू विल हैव दिस वैल्यू, और इसमें से एंड पे ये माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट माइनस हो रहा है, ये स्टार्टिंग वाला पॉइंट और ये माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट कैंसिल हो जाएंगे आपस में। आफ्टर कैंसिलिंग तो आपके पास ये टर्म बचेगी। अब आप देखें कि आपने स्टार्ट में क्या कंसिडर किया था कि कैपिटल एफ डैश ऑफ एक्स किसके इक्वल है, स्मॉल एफ ऑफ एक्स के। तो ये एफ डैश ऑफ एक्स ये स्मॉल एफ के इक्वल हो जाएगा, यानी एक एक डेरिवेटिव यहाँ पे कम हो जाएगा, तो आपके पास ये फार्मूला बन गया। अब आप देखें ये और ये वाली फार्मूला, ये दोनों आपस में कदरे वो कर रहे हैं बेसिकली मैच। अब देखें ये वाली जो आपने वैल्यू फाइंड आउट की है यहाँ पे, ये वाली या ये वाली जो आपने फॉर्मुलेट किया, ये आपने एनालिटिकल अप्रोच से की और ये आपने न्यूमेरिकल अप्रोच से। तो अब आप इनका डिफरेंस ले लेते हैं कि एनालिटिकल और न्यूमेरिकल अप्रोच का, उनका डिफरेंस लेंगे तो आपके पास ये वाला आपके पास डिफरेंस के फॉर्म में आंसर आ गया। अब ये जो आंसर है ये बेसिकली आपके पास एनालिटिकल और न्यूमेरिकल अप्रोच में जो डिफरेंस आ रहा है, दिस इज द बेसिकली एरर टर्म। अब इस एरर टर्म को ये तो था एक सिंगल एप्लीकेशन के फॉर्म में, अगर आप मल्टीपल टाइम बहुत सारे एन सब इंटरवल्स पे आप अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपके पास इसी तरह से बहुत सारी वैल्यूज इसमें बन जाएगी कंपोजिट रूल के फॉर्म में। इसको आप सिंप्लीफाई करें, सिंप्लीफाई करने के बाद दिस विल बी 1/12H³ × 1। अब आपको पता है कि अगर आप इसके एब्सोल्यूट वैल्यूज लेंगे तो वो इंटीग्रेटर होंगे, इसी तरह एब्सोल्यूट वैल्यूज को आपने मैक्सिमम वैल्यूज की फॉर्म में लिख दिया। तो अब यहाँ पे एच की वैल्यू आपने एक सिंगल एच की वैल्यू इंसर्ट कर दी तो यू विल हैव दिस फाइनल फार्मूला फॉर एरर टर्म ऑफ कंपोजिट ट्रेपोजाइडल रूल। अब इसमें देखते हैं कि एरर बाउंड्स क्या क्या हैं कंपोजिट ट्रेपोजाइडल रूल का। एरर आपने ये एरर के जो जनरल फार्मूलेशन है वो ये आपने फाइंड आउट कर ली। अब इसमें एरर बाउंड्स क्या क्या हैं, एरर बाउंड्स क्या हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप इस इंटीग्रल के वैल्यू अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं तो फिर क्या आपके पास जनरल फार्मूला ये बनता है। बट तो अगर आप यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं कि फॉर एग्जांपल मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू किस तरह से डिफाइंड है, कि अगर आपके पास डबल डैश की मैक्सिमम वैल्यू कैपिटल M2 है, मिनिमम वैल्यू स्मॉल M2 है, तो आप एरर बाउंड्स इन केस ऑफ कंपोजिट ट्रेपोजाइडल रूल इस तरह से डिफाइन कर रहे हैं। यानी ये यहाँ पे एरर टर्म है दिस विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू कैपिटल M2 और लेसर देन इक्वल टू मिनिमम वैल्यू, यानी यू कैन से स्मॉल M2। तो आप मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू से आप बेसिकली एरर टर्म को अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं, या सॉरी एरर बाउंड्स को अप्रोक्सीमेट करते हैं। नाउ कम टू एन एग्जांपल, हम इसके एग्जांपल देखते हैं उसमें किस तरह से एरर आप किस कैलकुलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल वही जो आपने क्वेश्चन ऑलरेडी किया था कि ये आपके पास डिफरेंट इसके पार्ट्स हैं, अब आपने 0 से 2 इंटरवल है, आपने कंपोजिट ट्रेपोजाइडल रूल की फॉर्म में एरर बाउंड्स कैलकुलेट करने हैं। सबसे पहले तो जनरल इसमें हम देखेंगे कि जनरल आपके पास ये फार्मूला है,
अब आप इसकी एरर बाउंड लिखते हैं कि अगर यानी स्मॉल एम टू और कैपिटल एम टू की फॉर्म में आपने लिख लिया, कैपिटल एम टू क्या है कि मैक्सिमम वैल्यू और स्मॉल एम टू क्या है मिनिमम वैल्यू। तो अब जब आप लिखेंगे एच की वैल्यू डिफरेंट लग के बीटा की वैल्यू फाइंड आउट, बीटा की वैल्यू के लिए भी आपको ये फार्मूला गिवन है। तो अगर आप एच की वैल्यू टू रखेंगे तो यू विल हैव बीटा की वैल्यू ये आ गई, अगर एच की वैल्यू 0.2 रखेंगे तो एच की वैल्यू ये आएगी। यानी यू कैन से कि आपके पास क्वेश्चन में क्या गिवन है कि क्वेश्चन में बेसिकली आपको इंटरवल गिवन है 0 से लेकर 2 तक। तो अब आप फंक्शन जो मौजूद है, फॉर एग्जांपल फर्स्ट पार्ट है, उस फंक्शन को डबल डेरिवेटिव लेंगे, दिस इज 6x। अब आपने मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आप एंड वाले पॉइंट पे फाइंड आउट करेंगे। यानी कैपिटल एम टू क्या होगा कि इंटरवल 0 से 2 है तो 2 पे मैक्सिमम वैल्यू होगी, तो 2 पे आप डबल डेरिवेटिव की वैल्यू फाइंड आउट करें, दिस इज 12। और स्मॉल एम टू क्या होगा कि सबसे मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू किस पे होगी, 0 पे ऑफ कोर्स, तो वो जो मिनिमम वैल्यू है आप 0 पुट करके फाइंड आउट करेंगे, दैट इज 0। तो अब आपने एरर बाउंड्स फाइंड आउट करनी है, तो आप एच की यानी एच की भी जो आपने मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू के लिए वो वैल्यूज फाइंड आउट किए हैं वो यहाँ पे पुट करेंगे, और कैपिटल एम की और स्मॉल एम की वैल्यूज पुट करेंगे, तो आपके पास यहाँ पे एरर बाउंड हो जाएगी। अब ये किसके लिए, अगर एच की वैल्यू आप कंसिडर करते हैं, अगर आप एच की वैल्यू 2 कंसीडर करते हैं, अगर आप एच की वैल्यू 0.2 कंसीडर करते हैं तो फिर क्या होगा, फिर आपके पास यहाँ पे एरर बाउंड इस तरह से डिफाइन होगी। इसी तरह फॉर एग्जांपल ये सेकंड पार्ट है, इसमें आपने डबल डेरिवेटिव फाइंड आउट किया, ये आपके पास डबल डेरिवेटिव आ गया, तो अब आप इसकी भी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। अब देखेंगे ये सबसे पहले ये इस ये वाले इंटरवल में फंक्शन डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग का मतलब है कि 0 पे वैल्यू मैक्सिमम होगी और 2 पे वैल्यू मिनिमम होगी। तो 0 पे वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो उसको नाम दे देंगे कैपिटल एम टू का, बिकॉज कैपिटल एम टू रिप्रेजेंट्स मैक्सिमम वैल्यू, और 2 पे वैल्यू फाइंड आउट करेंगे उसको नाम दे देंगे स्मॉल एम टू का, बिकॉज स्मॉल एम टू रिप्रेजेंट्स द मिनिमम वैल्यू। वो दोनों वैल्यूज आप पुट करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एंड अगर एच की वैल्यू 0.2 अगर एच की वैल्यू आप 2 कंसिडर करें तो फिर आप ये वाली वैल्यू पुट करेंगे 0.667, और इन दिस केस आपके पास ये एरर बाउंड हो गई। इसी तरह अगर एच की वैल्यू 0.2 पुट करेंगे तो आपके पास इस तरह से एरर बाउंड आ जाएगी। दिस इज अबाउट ट्रेपोजाइटल रूल। अगर हम सिम्पसन 1/3 रूल की फॉर्म में बात करें तो सिम्पसन 1/3 रूल की फॉर्म में आप जो बेसिकली क्या है कि एरर किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले आप जनरल फार्मूला लिखें, जी जनरल फार्मूला है। अब यहाँ पे F1 और F2 इन्वॉल्व है। F1 बेसिकली क्या होता है, एक्स नॉट प्लस एच, और इस तरह F2 क्या होता है, F2 क्या होता है कि एक्स नॉट प्लस 2h। तो जब आप वैल्यूज को उसको एक्सपेंड करेंगे, जो आपके पास वैल्यूज मौजूद हैं एक्स नॉट प्लस एच और एक्स नॉट प्लस 2h को टेलर सीरीज की मदद से एक्सपेंड करेंगे, आफ्टर एक्सपेंशन यू विल हैव दिस टर्म। अब इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास ये फार्मूला बन जाएगा। अब आप चूंकि इसमें सिम्पसन 1/3 रूल यूज कर रहे हैं, तो सिम्पसन 1/3 रूल यूज करने का मतलब है कि इसमें आप वैल्यूज को न्यूमेरिकली अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं। अब आप उसी तरह से न्यूमेरिकली अप्रोक्सीमेट करें, बट आप यहाँ पे वैल्यू को एनालिटिकली अप्रोक्सीमेट करें और उसमें कंसिडर करें कैपिटल एफ डैश ऑफ एक्स किसके कुल है, स्मॉल एफ ऑफ एक्स के, इसको अगेन एफ ऑफ एक्स टू और माइनस एफ ऑफ एक्स टू को क्या लिखा जा सकता है, कैपिटल एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस 2h, इसको एक्सपेंड करें यूजिंग टेलर सीरीज और ये माइनस हो जाएगा, तो ये कैंसिल आउट होके आपके पास ये टर्म बन जाएगी। अब ये आपके पास ये वाला जो आंसर आया ये बेसिकली एनालिटिकल अप्रोच से आया, और इससे प्रीवियस फॉर एग्जांपल अगर ये वाला आंसर आया ये आपके पास किस अप्रोच से आया है, ये न्यूमेरिकल अप्रोच से। अब जो एनालिटिकल और न्यूमेरिकल अप्रोचेज हैं उन दोनों का डिफरेंस लें तो आपके पास ये डिफरेंस इस फॉर्म में आएगा, -1/90h5f0 power 4। तो ये तो था एक सिंगल फॉर्म में। अगर आप इसको मल्टीपल टाइम्स अप्लाई करते हैं तो कंपोजिट सिम्पसन रूल के फॉर्म में आपके पास ये सारे के सारे एरर्स जो एक एक वो वन टाइम अप्लाई करने से आ रहे थे वो उन सबको वो सारे ऐड हो जाएंगे, एंड दैट मस्ट बी लेसर देन इक्वल टू
एब्सोल्यूट वैल्यूज, और एब्सोल्यूट वैल्यूज में फिर आप मैक्सिमम वो कंसीडर कर लेते हैं और उसको आप ईटा का नाम दे देते हैं, वो मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यू विल हैव दिस टर्म। अब आप इसमें एच की वैल्यू पुट कर दें, यहाँ पे एच 5 था तो यहाँ पे फिर एच, एक एच की वैल्यू पुट कर दी बी माइनस ए ओवर एन, तो आपके पास एच 4 में आ गया। तो ये आपके पास कंपोजिट सिम्पसन रूल में दिस टर्म रिप्रेजेंट्स द बेसिक एरर एरर टर्म। अब इसी तरह अगर आपने इसमें एरर बाउंड्स फाइंड आउट करनी है तो इसमें भी आप यानी कैपिटल एम फोर और स्मॉल एम फोर के से आप वैल्यूज डिफाइन करते हैं मैक्सिमम और मिनिमम, और उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे एरर बाउंड्स डिफाइन कर देते हैं। अब इसमें हम देखते हैं एग्जांपल, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास एन की वैल्यू 10 गिवन है और अब आपने इन इंटेग्रल की एरर बाउंड्स फाइंड आउट करनी है। अब देखें इंटरवल इसमें हर एक में डिफरेंट है, यहाँ पे 0 से 1 है, यहाँ पे 0 से 2 है, यहाँ से फिर 0 1 है, और यहाँ से 1 1.5 है। तो हर पार्ट में आपको बेसिकली सारी चीज़ें सेपरेटली कैलकुलेट करना पड़ेंगी। तो फॉर एग्जांपल आपने आपने यहाँ पे सबसे पहले जनरल फार्मूला लिख दिया और फिर यहाँ पे आपने बता दिया कि कैपिटल एम फोर मैक्सिमम वैल्यू को और स्मॉल एम फोर मिनिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है और बीटा की वैल्यू आपके पास ये है। तो सबसे पहले इसका चूंकि फोर्थ डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो रहा है फार्मूला में, देखें ये जनरल फार्मूला गिवन है तो यहाँ पे फोर्थ डेरिवेटिव इन्वॉल्व होता है। तो सबसे पहले जो फंक्शन है उसका, फॉर एग्जांपल ये फंक्शन है तो उसका फोर्थ डेरिवेटिव आप फाइंड आउट करें, फोर्थ डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे तो दैट विल बी जीरो। तो अब इस पे फंक्शन की वैल्यू मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करें तो ऑफकोर्स वो भी दोनों जीरो आ जाएंगे, तो एरर बाउंड दोनों में वो बेसिकली जीरो आ जाएगा, यानी अब इसमें कोई एरर वो नहीं आएगा। और फॉर एग्जांपल इसी का अगर हम सेकंड पार्ट देखें तो सेकंड पार्ट में भी आप देखें इसका फोर्थ डेरिवेटिव लें, फोर्थ डेरिवेटिव इस पे फिर आप मिनिमम और मैक्स एच की वैल्यू डिफाइन करें बी माइनस ए ओवर एन, बीटा की वैल्यू आप वो जनरल फार्मूला आपको गिवन है उससे आप बीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब चूंकि ये फंक्शन जो फोर्थ डेरिवेटिव है ई पावर माइनस एक्स ये डिक्रीजिंग फंक्शन है जीरो और वन में जो गिवन इंटरवल है, तो फिर यानी जीरो पे वैल्यू मैक्सिमम होगी, वन पे वैल्यू मिनिमम होगी। तो जीरो पे वैल्यू जो आएगी उसको हम कैपिटल एम का नाम दे देते हैं और जो वन पे वैल्यू उसको स्मॉल एम का यानी मिनिमम वैल्यू का नाम दे देते हैं। वो वैल्यूज उस जनरल फार्मूला में पुट करें, बीटा की वैल्यू मल्टीप्लाई करें एंड यू विल हैव द एरर बाउंड्स। अब अगर हम देखें कि जो सारे के सारे यहाँ पे टेबुलेट किया गया है कि ये सारे जो मेथड्स हमने पढ़े हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम देखें कि सबसे पहला जो है ट्रेपोजाइडल रूल, ट्रेपोजाइडल रूल का जनरल फार्मूला आपके पास आपको ऑलरेडी पता है, इसमें एरर टर्म्स को बेसिकली हमने डिफाइन किया है या यू कैन से टेबुलेट किया है। तो ये आपके पास एरर टर्म बेसिक रूल के लिए ये है, इसी तरह अगर हम कंपोजिट रूल के लिए फाइंड आउट करें तो ये आपके पास कंपोजिट रूल के लिए एरर टर्म है। इसी तरह हर मेथड के लिए एरर टर्म यहाँ पे डिफाइंड है कि बेसिक रूल में की फॉर्म में किस तरह से है और जनरल फॉर्म कंपोजिट रूल की फॉर्म में किस तरह से है। अब यहाँ पे एंड वाले कॉलम में आपको एक्यूरेसी भी गिवन है कि इसमें एक्यूरेसी का ऑर्डर क्या होगा, तो इसकी बेस पे आप बता भी सकते हैं कि सबसे बेस्ट रूल कौन सा है। इसी तरह वेट्स हर मेथड में कौन कौन से इन्वॉल्व हो रहे हैं या यू कैन से के वो जो कोफिशिएंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं वो आप यहाँ पे डिफाइन करते हैं। ये आपके पास फॉर एग्जांपल हर रूल के लिए जनरल फार्मूला को टेबुलेट किया गया है, और फॉर एग्जांपल ट्रेपोजाइडल रूल के लिए दिस इज अबाउट सिम्पसन 1/3, दिस इज फॉर 3.3/8, दिस इज बूल्स रूल, दिस इज 6-point रूल एंड दिस इज वेटल्स रूल। अब इसको अगर हम सिंपल फॉर्म में देखें तो ये जो 7 टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं वो सारी सारे ये वाली हैं, इसी तरह जो उसमें कोफिशिएंट्स यूज हो रहे हैं वो सारे ये वाले हैं। इसको मेमोराइज करने के लिए आपको इजी रहेगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट जनरल न्यूटन कोट्स फार्मूला, सबसे पहले हमने पढ़ा, उसके बाद फिर हमने उसकी मदद से डिफरेंट रूल्स या डिफरेंट मेथड्स को डिफाइन किया, और उसके बाद हमने ट्रेपोजाइडल और सिम्पसन 1/3 रूल के लिए एरर पढ़ा। अब बाकी भी जो एरर की जो जनरल फार्मूलाज हैं वो आपको गिवन है, आप लिख कर सकते हैं एंड यू शुड प्रैक्टिस दैट। तो दिस वॉज ऑल अबाउट न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम फर्दर किसी
टॉपिक के साथ मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।